ओके तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूट्यूब के नए YPP यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में कुछ नई पॉलिसीज के ऐड होने के बारे में। ये जो पॉलिसीज हैं वो क्या हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, क्या ये गुड न्यूज़ है, किस तरीके से ये गुड न्यूज़ है, मैं यार पहले आपको बता देना चाहता हूँ। ये यार सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बात को किस तरीके से लेते हैं कि ये वीडियो, मतलब ये न्यूज़ जो है वो आपको अच्छी लगेगी, या आपके लिए खुशखबरी है या बेकार न्यूज़ है, बुरी है, ये यार सिर्फ आपके ऊपर है। खैर मेरे केस में ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यार जो भी एक ट्रू कंटेंट क्रिएटर है, एक जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर है, उसके लिए ये न्यूज़ डेफिनेटली यार अच्छी है, उससे बिल्कुल दुखी होने की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर बी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। यहाँ पर जो है 9 फरवरी इसी साल की 9 फरवरी को यहाँ पर यूट्यूब ने YPP प्रोग्राम कुछ नई पॉलिसीज को ऐड किया था, और इसके बारे में खैर मैं अपनी टेक न्यूज़ में भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं मतलब थोड़ा डिटेल में आपसे बताने आ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर हैं, और यार कुछ अगर मतलब फालतू के असर वसर देखते हैं, अगर आप यूट्यूब पर जो बाकी कंटेंट क्रिएटर डालते हैं उन्हें देख के आप परेशान होते हैं, तो डेफिनेटली यार ये पॉलिसी उन लोगों के लिए खतरनाक होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो है यूट्यूब ने क्लियर कर दिया, यहाँ पर मतलब 2017 में जो अर्निंग की कम थी ना, इतनी कम, तो यहाँ पर यूट्यूब भी परेशान है, यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स भी परेशान थे। 2018 में इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा रहा है, यहाँ पर 2018 में सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं, यहाँ पर जो है उसकी पॉलिसीज को और ज़्यादा टाइट किया जा रहा है कि अरे गेरे यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स ना आ जाए फालतू के, यहाँ पर अटरम सटरम फालतू की लेके आ जाते हैं, और ट्रू कंटेंट क्रिएटर्स जो इतनी मेहनत करते हैं, जिनकी वीडियोस पोस्ट करते हैं, मेरी तरह शायद मैं कंटेंट क्रिएटर ठीक ठाक हूँ, बताइए नीचे कमेंट्स में हो कि नहीं। खैर हाँ, तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि अगर आप जो है अपनी वीडियोस में किसी तरीके का वॉयलेशन, किसी तरीके के बेसिकली मतलब स्पेसिफिकली किसी ग्रुप की तरफ क्रिटिसिज्म या फिर कोई बुरी बात बोलते हैं, या फिर क्रुएलिटी शो करते हैं अपनी वीडियोज में, कुछ भी ऐसा डेड एनिमल्स वगैरह के बारे में अगर आपकी वीडियोज में कुछ है, तो यहाँ पर जो है आपको यूट्यूब बख्शने वाला नहीं है। यहाँ पहले सिर्फ आपको पनिश करने के लिए दो चीज़ें हुआ करती थी, जो कि थी स्ट्राइक्स, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स और आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक। यहाँ पर इन दो चीज़ों के अलावा यहाँ पर कोई और बुरी चीज़ नहीं थी जो आपको देखने को मिलती पनिशमेंट के तौर पर, अगर आप कोई गलत चीज़ अपनी वीडियोज़ पोस्ट करते हैं। यहाँ पर सेम केस हुआ था हमारे लोगन पॉल के साथ, तो यहाँ पर मतलब फिलहाल उनके अर्निंग्स वगैरह को भी खत्म कर दिया गया, उन्हें कोई भी जितने भी एड्स से रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो भी खत्म कर दिया, कुछ नहीं मिला, उनके यूट्यूब पर जो चैनल है उन पर अपलोड भी बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इससे लेके मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, यहाँ पर पूरी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। तो यहाँ पर मतलब अगर आप अपनी वीडियोस में कुछ उसके जैसे मतलब लोगन पॉल ने जो अपनी वीडियोस पोस्ट की थी सुसाइड फॉरेस्ट जो की था जापान में, उससे रिलेटेड कुछ इस तरीके की वीडियोस, या फिर किसी स्पेसिफिकली अगर आप कोई क्रुएलिटी शो करते हैं, निर्दयता या शो करते हैं, या फिर कोई भी मतलब मतलब कोई भी बुरी चीज़ यहाँ पर क्या मतलब आप कोई ऐसी प्रैंक करते हैं जिससे लोगों को दर्द पहुँचता है या बुरा लगता है, यहाँ पर किसी के सेंटीमेंट्स को हानि होती है, कोई बुरा लगता है किसी को, तो यहाँ पर मतलब इस तरीके की वीडियोस को जो है यहाँ पर यूट्यूब बुरी तरीके से ख़त्म करने वाला है। यहाँ पर जो है अगर आपकी वीडियोस में ऐसा कुछ पाया गया, ना सिर्फ कम्युनिटी गाइडलाइंस या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक, इसके अलावा आपके पास जो है आपकी वीडियोस आपके चैनल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर जो है नए हथियार जो है यूट्यूब ने अपनाए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपकी मोनेटाइजेशन तो खैर ख़त्म हो ही जाएगी आपके चैनल की, बिना स्ट्राइक के आपको जो चैनल है वो भी ख़त्म हो सकता है। और यहाँ पर अगर इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं हुई, उस अपनी वीडियो में आपने कुछ ऐसी चीज़ डाली है, इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ था, यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वीडियोस में जो है आपके वीडियो सजेस्टेड में आना बंद हो गई है, रिकमेंडेड चैनल्स में जाना आपकी वीडियोस बंद हो गई, आपके चैनल को रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, या मतलब यूट्यूब की तरफ से पूरा प्रमोशन बंद हो जाएगा आपके चैनल का, और आप सालों साल मेहनत कर लीजिए लेकिन फिर भी आप यही सोचेंगे कि आपका जो चैनल है वो क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर वो एक वीडियो आपके पूरे चैनल को ख़राब कर सकती है। तो यहाँ पर मतलब अब इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर ये फ़ायदा होगा कि जो भी पहले सोचते थे चलो ट्राई करते हैं यूट्यूब क्या होगा, जो यार ये वीडियो यहाँ पर लड़ाई हो रही है, ये लोगों को देखने में इंटरेस्ट आएगा, इसे रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया, मिलियंस व्यूज़ आ गए, यहाँ पर एडसेंस भी अप्रूव हो गया उनका, यहाँ पर उनके एड्स भी जनरेट हो गए, वीडियोज़ उन पे उनके मोनेटाइजेशन हो गई, पैसे कमा लिए, और यहाँ पर जो हमारे जैसे जेन्युइन क्रिएटर्स हैं वो सब रह गए पीछे जो मेहनत करते हैं। यहाँ पर मतलब उन्हें क्या था, उन्हें सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करी, पोस्ट करी और उन्होंने पैसे कमा लिए, लेकिन हम यहाँ पर जो फुल टाइम क्रिएटर यूट्यूबर्स हैं, मैं नहीं खैर मैं शायद हूँ नहीं पता नहीं मेरा कुछ खैर, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे भी जो अपने दिन के जो सारे लिवली स्टॉक लिवलीहुड है वो सब इसी यूट्यूब से ही कमाते, तो उनके लिए बहुत बुरा होता था पहले, लेकिन अब ये जो नई पॉलिसीज आई हैं साथ में
पुरानी पॉलिसी के साथ ये नई पॉलिसी जुड़ी है, इससे डेफिनेटली यार बहुत ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है यहाँ पर ग्लोबल पॉलिसी रिलेटेड, मतलब पूरा बेसिकली वहीं से स्टार्ट हुआ पूरा सिनेरियो लेके यहाँ पर। और बहुत अच्छी बात है, 4000 घंटों का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर्स, 10000 व्यूज टोटल, ये सब पहले हुआ था जैसे कि काम नहीं बना। यहाँ पर नई इस पॉलिसीज को भी लॉन्च कर दिया। आप बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप इस न्यूज़ को किस तरीके से ले रहे हैं, अगर मतलब अच्छी तरीके से ले रहे हैं, ये न्यूज़ आपके लिए अच्छी है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा लगे कि यूट्यूब जो है छोटे कंटेंट क्रिएटर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ पर जो उनके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन अगर आप यार ध्यान से देखो लॉन्ग टर्म में देखोगे तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आगे चल के अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे, जेन्युइन क्रिएटर हो, अपनी जेन्युइनिटी को बरकरार रखोगे, तो यहाँ पर आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि यार यहाँ पर छोटी मोटी वीडियोज़ अगर वायरल भी होती तो यहाँ पर कोई ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो क्योंकि फालतू की वीडियोज़ तो वो सारे एड्स उसमें चले जाते थे, हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पर मतलब एड्स वगैरह से रेवेन्यू जनरेट होने वाला जो सिनेरियो था वो भी बेटर होने वाला है, यहाँ पर आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलने वाली है, अच्छा एक साफ सुथरा यूट्यूब की आशा कर रहे हैं हम भी यार। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आप इस न्यूज़ को किस तरीके से लेते हैं। और बस यार इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बस यही बताना था इस वीडियो में कि यूट्यूब की नई पॉलिसीज के बारे में बस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा कुछ इन्फॉर्मेटिव मैंने आप इसको इस वीडियो में बताया है या आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मत जाओ यार कहीं पर लाइक करे बिना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, मैं जेन्युइन क्रिएटर हूँ यार, प्लीज सब्सक्राइब करो। साथ ही बराबर का बेल आइकन मिल जाए हमारे से होगा ये, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और डेफिनेटली मिस भी मत किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज और साथ ही साथ डेली टेक न्यूज रोज अपलोड करता हूँ, दिन की दो वीडियोज रोज चैनल पर पोस्ट होती है, जाके आप चैनल भी चेक कर सकते हैं। बस आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।